महानगर कानून में बदलाव को लेकर विपक्ष के नेता सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शाब्दिक खींचातानी की। ठाकरे अभी भी बीएमसी में ही अटके हुए हैं। इसे खींचातानी में विदर्भ के किसानों के मुद्दे को लेकर सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने एनबीसीएन से बात की। एक मिनट, सुधीर मुनगंटीवार जी है, उनसे जानेंगे कि महानगर कानून में जो है बदलाव किया गया है, क्या बताओगे इस बारे में जो कानून में बदलाव? नहीं, कोई भी कानून में बदलाव करते समय जनहित लोकहित ये विश्वास में लेकर करना चाहिए। अब जहां पे जनता को विश्वास में लेने के लिए हमने मांग की थी कि महापौरों को पूछा जाए उनका क्या मत है, वहां पे काम करने वाले महानगर पालिका सदस्यों का क्या मत है, जबरदस्ती से कानून मंजूर ना करे। अगर जनता कहती है, महानगर पालिका के सदस्य कहते हैं कि नहीं ये लोकहित में हो रहा है, तो कानून पास करे। कोई गाय नहीं थी, 3 महीने तक कोई चुनाव नहीं था, मगर सरकार किसानों की समस्या को या समाधान निकालने के बजाय उनका सारा ध्यान ये महानगर पालिका में ही है। अभी भी राज्य के मुख्यमंत्री मुंबई महानगर पालिका के सोच के बाहर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए हैं, इस सोच में गए ऐसा लग नहीं रहा है। किसानों के राहत का निर्णय आज लिया जाएगा, क्या लगता है किसानों को राहत मिलेगी आज? वो तो उसका जवाब तो वो देंगे, मैं कैसे दूंगा, मैं सरकार में नहीं। क्या लगता है आपको? आप भी हम यही कहते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे कि किसानों को राहत के बारे में वो निर्णय करे, मगर निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। कानून जो है महानगर कानून जो बदला गया है जिसकी अभी जरूरत नहीं थी, या फिलहाल जनता से बातचीत या बातचीत कर इसका निर्णय लेना चाहिए था, ऐसा सुधीर मुनगंटीवार इनका कहना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।